जय हिंद फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम जो एरियंट की फिजिक्स की बुक है उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें सबसे पहले तो मैं ग्रेविटेशन फोर्स से जो भी पूछी हुई क्वेश्चन है उनका डिस्कस करूँगा, मतलब सब सबसे उसके बाद पहले एक बार ये फर्स्ट पार्ट है जो ये देख सकते हो आप लोग, टोटल मतलब 22-23 क्वेश्चन है इसमें, तो उसका मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो अपने पास लेवल 2 की क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप लेवल 1 का एक है और उसके बाद सेकंड पार्ट में आएगा वो लेवल 2 के आएंगे, तथा उसके साथ साथ मैं आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है ग्रेजुएशन फोर से जो भी पूछे हुए क्वेश्चन है वो सेकेंड पार्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। तो इसके साथ साथ आप लोग भी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आप लोगों को पता चले कि हमारी कितनी क्या तैयारी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन। पानी में एक वायु का बुलबुला तथा स्टील की गेंद, ए ऑप्शन है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ऑप्शन बी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को न तो आकर्षित करते हैं न ही प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित कर सकते हैं, यह है उनके आकार पर निर्भर करेगा। तो इसमें आप लोग ये देखो जनरल साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे ही पानी में एक वायु का बुलबुला, ठीक है, ये बुलबुला पानी में वायु का बुलबुला और स्टील की गेंद की बात करूँ मैं, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे आप लोग इनको पास लाओगे तो ये दूर दूर होने की कोशिश करेंगे, इस प्रकार दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आ जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुत्वीय नेतांक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। हाँ, आप लोगों को इसकी जो PDF है एरियंट फिजिक्स की बुक की मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है, इसके साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट है, गुरुत्वीय नेतांक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। जी का मान पिंडों के आकार तथा अथवा द्रव्यमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है, बिल्कुल भी नहीं करता है। जी का मान पिंडों के बीच के माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड करता है, माध्यम की प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता है, ये कूलाम्ब बल थोड़ी है। कूलाम्ब बल या बायो सावर्ट का नियम या मैं बात करूँ गाउस का नियम, वे कहते हैं प्रकृति पर डिपेंड करते हैं, जबकि जी का मान कभी भी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करता, ये भी ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट है, सभी मात्रक पद्धतियों में जी का मान एक समान होता है क्या, नहीं बिल्कुल भी नहीं होता है, अलग अलग होता है। ब्रह्मांड में सभी जगह जी का मान एक समान होता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर, तो डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में किसी ग्रह की चाल सभी बिंदुओं पर समान होगी, सूर्य के निकटतम होने पर अधिकतम होगी, सूर्य के निकटतम होने पर न्यूनतम होगी, निरंतर बढ़ती रहेगी। तो इसका देखो मैं आप लोग बता दूं, जिस प्रकार ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार मतलब आवर्तकाल का द्वितीय नियम क्या कहता है कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्र लगाते हैं उपग्रह, ठीक है, जिस प्रकार ये सूर्य है, ये आप लोग देख सकते हो, ये क्या अपने पास सूर्य है यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो जैसे जैसे देखो मतलब यहाँ पे कोई भी पिंड है, मतलब जैसे जैसे इस तरफ आएगा तो इसकी देखो सूर्य से दूरी क्या है, घट रही है, ठीक है। जैसे इसकी सूर्य से दूरी घटेगी तो इसका इसकी जो चाल है वो क्या आएगी, बढ़ेगी। देखो जैसे जैसे सूर्य से इसकी दूरी बढ़ती जा रही है तो इसकी चाल है वो घटती जाएगी, तो इसका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा राइट आंसर। देखो इसमें क्या करना आप लोगों को, द्वितीय नियम वो क्षेत्रफल के साथ साथ समय के साथ साथ परिवर्तन होता है, ठीक है, तो चाल होती है वो समानुपाती होता है किसके, 1/2 में दूरी के, द्वितीय आवर्तकाल के नियम से यह निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कौन सा, सूर्य के निकटतम होने पर अधिकतम होगी इसकी चाल होगी क्या, जैसे ये देखो सूर्य के निकटतम मतलब दूरी कम होगी तो इसकी चाल क्या जाएगी, अधिकतम हो जाएगी, या सूर्य के निकटतम होने पर न्यूनतम होगी, होगी क्या, ना नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार सूर्य से मिलने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करते हैं, परिणाम निम्न के संरक्षण का है, तो कौन इस समय संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वस्तुएं पहले कुछ दूरी पर वायु में तथा फिर समान दूरी पर जल में रखी जाती हैं, उनके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का वायु में तथा जल में अनुपात क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि चाहे निर्वात हो चाहे कुछ हो, माध्यम पर डिपेंड करता ही नहीं है ये, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका रेशियो क्या जाएगा, सेम होगा, मतलब चाहे वो पानी हो चाहे जल हो, दोनों में अनुपात क्या जाएगा, सेम। तो जैसे ये कट जाएंगे ऑप्शन क्या जाएगा, 1:1, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नेतांक का विमीय सूत्र क्या है।
तो ये आप लोगों को देखो कैसे निकालना है। देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, जी M1 M2 बटा R2, ये तो होता है। अब मेरे को ये वाली वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जैसे ही निकालेंगे तो ये R इधर जा जाएगा। फोर्स का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मतलब ये R इस साइड चल जाएगा, इस साइड R इस साइड जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर बटा किया जाएगा kg स्क्वायर, ठीक है, kg स्क्वायर। जैसे ही आप लोग न्यूटन, न्यूटन को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये न्यूटन है एन, एफ बराबर एम ए, मतलब kg इंटू में मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। तो देखो आप लोग 1 kg से 1 kg खत्म हो जाएगा, यहाँ पे मीटर क्यूब आ जाएगा। तो एम -1, ठीक है, एम -1, L3 और T-2, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखो M1, M-1, L3, T-2, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दो ग्रह के तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान समान होगा यदि उनके समान हैं, क्या समान है। तो देखो गुरुत्वीय जो त्वरण है या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन एयरफोर्स में पूछा हुआ है, यहाँ पे मिल जाएगा आप लोगों को। ये देखो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा निम्न में से किसकी विमा के समान है, तो ये त्वरण की विमा के समान है, एयरफोर्स में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका जी बराबर क्या होता है, देखो जी एम अपॉन में R2, ठीक है। तो देखो जी एम द्रव्यमान बट्टा त्रिज्या स्क्वायर, तो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि जी की विमा तथा मात्रक है। तो मैंने अभी अभी ऊपर जो 6 नंबर का क्वेश्चन है वो उसमें बताया था आप लोगों को, क्या इसका मात्रक देखो एफ बराबर कैसे निकालना है, एफ बराबर जी M1 M2 बट्टा R2, ठीक है। तो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये R2 इधर जाएगा, तो इसका मात्रक होगा न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर बट्टा, ये देखो ये इधर आ जाएगा तो भाग में चल जाएगा ना, तो यहाँ पे बटा kg² हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है, न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर बटा kg², न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर बटा kg², तो इसका M-1 और L3 T-2, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूर्णन चाल बढ़ जाए तो विषुवत रेखा पर किसी पिंड का भार, ऑप्शन ए बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, कभी बढ़ेगा या कभी घटेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एयरफोर्स में भाई साहब बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा कंडीशन में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो देखो इस कंडीशन में एक्सांस के लिए वो फॉर्मूला होता है G' बराबर G-ω² R cos² λ, ठीक है, ये होता है। तो ये बता रहा है घूर्णन चाल, यदि घूर्णन चाल को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, तो इंक्रीज कर दी जाए तो विषुवत रेखा पर पूछा है। देखो जी में से यदि इसको और ज़्यादा मतलब बढ़ाएंगे तो जी में से और ज़्यादा बड़ी वैल्यू घटेगी, तो इस कंडीशन में जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और भार, भार कहता है W=mg, ये जानते हो आप लोग। तो जी की वैल्यू चाहिए अपने को, तो जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण को मैंने आप लोग यहाँ से बता दिया, तो इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, घट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये देखो यदि पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः अचानक घूमना बंद कर दे तो जी का मान ध्रुव पर बढ़ जाएगा, ध्रुव पर घट जाएगा, विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा, विषुवत रेखा पर घट जाएगा। देखो जी का मान देखो ध्रुव पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, देखो ध्रुव पर जो थीटा का मान है वो क्या होता है, ध्रुव पर थीटा मान होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो G-ω² R cos² λ, ये होता है। तो देखो लेमडा की वैल्यू 0 रखूंगा तो ये टोटल 0 है, तो G' का मान किसके बराबर हो जाएगा, जी के। तो इस कंडीशन में ध्रुव पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ध्रुव पर 90 डिग्री कोण होता है रखेंगे। इसके बाद विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है, ठीक है, विषुवत रेखा पर जो एंगल है लेमडा का मान वो 0 डिग्री होता है। इस कंडीशन में ये कुछ ना कुछ जी से कुछ ना कुछ ये वैल्यू क्या होगी, घटेगी। तो इस स्थिति में देखो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, अचानक घूमना बंद कर दे मतलब ओमेगा की वैल्यू क्या जाएगी, 0। तो 0 होते ही इस कंडीशन में G' का मान किसके बराबर रह जाएगा, जी के बराबर है, जो इस कंडीशन में विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो इसमें सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर हो जाएगा। देखो ध्रुव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, जैसा का है वैसा रहेगा, ठीक है, तो विषुवत रेखा पर बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तल पर विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान, देखो ये पृथ्वी है, अंडाकार होती है, आप लोगों को भी पता है, ठीक है, जैसे ये ध्रुव हो गए, पोल हो गए, और इस प्रकार होती है विषुवत रेखा। क्वेश्चन बोल रहा है कि विषुवत रेखा से, ये देखो विषुवत रेखा हो गई है ना, ये विषुवत रेखा हो गई, इससे ध्रुव की ओर इस साइड जाने पर, तो हमेशा ध्यान में रखना जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, जी का मान बढ़ेगा, जबकि त्रिज्या का मान क्या होगा, घटेगा। इस कंडीशन में दो कंडीशन बनती है, जैसे ही ये विषुवत रेखा है, ठीक है, यहाँ पे विषुवत रेखा है, जैसे ध्रुवों की साइड जाएंगे तो इस कंडीशन में जी का मान तो बढ़ेगा और रेडियस का मान क्या होगा, घटेगा, ठीक है, इस कंडीशन में। या मैं कहूँ ध्रुव, ये ध्रुव मान लेता हूँ मैं, है ना, ये देखो ध्रुव है ना, यहाँ पे ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो इस कंडीशन में जी का मान तो घटेगा और आर का मान बढ़ेगा, मतलब त्रिज्या मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है, इस प्रकार की कंडीशन आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप लोग देख सकते हो, पृथ्वी ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या जाएगा, बढ़ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार, देखो गुरुत्व त्वरण का मान केंद्र पर क्या आता है, जीरो, ध्यान में रखना ये पृथ्वी है, यहाँ पे केंद्र है ना, तो केंद्र पर जी का मान कितना आता है, गुरुत्व त्वरण का मान जीरो, तो इस कंडीशन में बार भी क्या जाएगा, जीरो, क्योंकि बार क्या आता है, डब्ल्यू बराबर एम जी, देखो डब्ल्यू बराबर कहता है एम जी, तो हमको जी का मान ही तो चाहिए, जी का मान जीरो से है, तो बार भी क्या जाएगा, जीरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केपलर का, तो इसमें 12 में ए ऑप्शन आ जाएगा, जीरो। केपलर का ग्रहों की गति संबंधित द्वितीय नियम किस भौतिकी राशि के संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, द्वितीय नियम किस पर है, कोणीय संवेग सिद्धांत पर, ठीक है, जबकि 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 तृतीय नियम है, तृतीय नियम वो देखो, तृतीय नियम समानुपाती होता है के स्क्वायर, सॉरी आर की पावर 3 के, मतलब क्यूब के, तो इस कंडीशन में ये ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर, ये ध्यान में रखना, आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। देखो आ गए ना अगला क्वेश्चन, देखो ये केपलर के नियम के अनुसार किसी ग्रह का परिक्रमण काल टी तथा सूर्य से इसकी औसत दूरी आर निम्न समीकरण से संबंधित है, ये एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें ये पूछा गया था, देखो आर टी स्क्वायर, मतलब कंडीशन दी गई थी उसमें, मतलब टी स्क्वायर समानुपाती होता है, देखो आर की पावर 3 के, तृतीय नियम ये कहता है, लेकिन टी स्क्वायर बराबर यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आता है, जैसे समानुपातिक चिन्ह कटाएंगे तो यहाँ पे किया जाएगा, और आर की पावर 3, ठीक है, तो इसमें पूछा गया था एयरफोर्स में के की वैल्यू क्या होगी, मतलब इस प्रकार दिया गया था कि आवर्तकाल का तृतीय नियम है वो टी स्क्वायर आर की पावर -3 इक्वल टू के बराबर दे रखा था, तो उसमें के का मान पूछा गया था, ठीक है, तो ये आप लोग कोई भी टीचर नहीं करवाता, मैं आप लोगों को इसमें के का मान बताता। तो देखो के का मान क्या होगा इसमें, देखो वैसे आप लोगों को डायरेक्ट ध्यान में रखना है, के बराबर होता है अपने पास क्या, 4π² 4π² अपॉन में जी एम, ठीक है, एक ऑप्शन तो ये दे रखा था, एक ऑप्शन जी एम अपॉन में 4π² दे रखा था, सी ऑप्शन में था 4π² बट्टा r² gm दे रखा था, मतलब इस प्रकार कंडीशन दे रखी थी उसमें, ठीक है, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। कहाँ से आए वो देखो, उपग्रह की कक्षीय चाल कहता है v बराबर होता है √gm अपॉन में r, ठीक है, जैसे ही एंड्रूट इस साइड जाएगा तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर, अब देखो वी बराबर कहता है ओमेगा आर होता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, बराबर जी एम अपॉन में आर लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, तो जैसे ही ये आर, ये अपने पास आर है, वो इस कंडीशन में मतलब कहाँ पर चल जाएगा, ये आर इस साइड चल जाएगा, तो ये क्या जाएगा आर की पावर 3, मतलब इस साइड आर की पावर 3 यहाँ पे कट जाएगा, ठीक है, तो जैसे कटेगा तो ओमेगा, ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा बराबर कहता है 2π अपॉन में टी, ये तो होता है ओमेगा बराबर, तो ओमेगा की क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ओमेगा तो 4 हो जाएगा और पाई स्क्वायर हो जाएगा बट्टा टी स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, टी देखो फोन में चल नहीं रहा है, टी स्क्वायर बराबर जी एम अपॉन में आर की पावर 3 इंटू में जी एम, ठीक है, तो आवर्तकाल का नियम है वो आप लोगों को पता है, टी स्क्वायर के समानुपाती होता है आर की पावर 3 के, ये तो होता है आर की पावर 3, तो देखो आप लोग आर की पावर 3 है वो अपने पास
ओमेगा बराबर ये मैंने लिख ही दिया आप लोगों को। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या आ गई, देखो टी स्क्वायर, देखो ये जैसे ऊपर नीचे करेंगे इसको, मतलब टी स्क्वायर ऊपर जाएगा है ना, टी स्क्वायर ऊपर नीचे जाएगा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, जैसे आप लोग ये देखो फोन की स्क्रीन में दिखता नहीं है, बोर्ड पे होता तो अच्छा रहता, के बराबर 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम, ये आ जाएगा के की वैल्यू यहाँ पे, मतलब टी स्क्वायर और यहाँ पे आर की पावर 3, ये आ जाएगा ठीक है। तो सॉरी 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 सॉरी, मतलब टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन में जी एम अपॉन इंटू में आर की पावर 3, तो ये वैल्यू किसकी है, के की वैल्यू है, तो यहाँ पे के की वैल्यू ये आ जाएगी ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात।